नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। साध्वी प्रज्ञा ने थामा भाजपा का दामन, भोपाल में दिग्विजय सिंह को दे सकती है टक्कर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल सीट से टक्कर देने के लिए भाजपा साध्वी प्रज्ञा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, रामलाल और प्रभात झा से मुलाकात करने के बाद साध्वी प्रज्ञा भाजपा में शामिल हो गई। पार्टी में शामिल होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। कमलनाथ ने पीएम मोदी से क्यों कहा आप देश के पीएम हैं ना कि गुजरात के। मौसम ने ऐसी करवट बदली कि देश के कई राज्यों में तबाही के मंजर नजर आने लगे। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से कई लोगों की जान भी चली गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी से ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उनके ट्वीट में गुजरात शब्द था जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुद्दा बना दिया। कांग्रेस से गठबंधन की आस में लटक रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची लटक गई है। ऐसा माना जा रहा है कि उनको अब भी हरियाणा में कांग्रेस से गठजोड़ की उम्मीद है। कांग्रेस से गठबंधन की आस में आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का चुनाव प्रचार थम गया है। गठबंधन के नेताओं की दिल्ली में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अभी सूची नहीं जारी हो पा रही। पंजाब ने दर्ज की पांचवी जीत, कप्तान अश्विन ने मचाया धमाल। राहुल के अर्धशतक और उसके बाद कप्तान रविचंद्र अश्विन की अगुवाई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत किंग्स 11 पंजाब ने मंगलवार को यहां अपने घरेलू मैदान में राजस्थान रॉयल्स को 12 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की है। ये किंग 11 पंजाब की सत्र में पांचवी जीत है और उसने प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीद को कायम रखा है। पीसी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए। 8 राज्यों में आंधी और बिजली गिरने से 41 की मौत, वही 40 जख्मी। देश भर में मंगलवार को मौसम अचानक बदल गया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा और नई दिल्ली में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत हो गई, वहीं 40 जख्मी हो गए। ज्यादा असर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश पर पड़ा है। इन राज्यों में 34 लोगों की मौत हो गई। बारिश से इन राज्यों में तापमान 40 डिग्री से कम हो गया। मौसम विभाग ने बताया है कि बुधवार और गुरुवार को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।